अभिषेक शर्मा देखें यार, उनके साथ शर्मा लगा हुआ है, कुदरती तौर पे लगा हुआ है, ठीक है, उसने बिल्कुल एडवांटेज लिया अपने शर्मा का जी। मगर उसने शर्मा की तरह ये बता दिया, रोहित शर्मा की तरह ही उसने कॉपी रोहित भाई मैं भी शर्मा, एक शर्मा ने मेरी रिटायरमेंट दी है तो दूसरा शर्मा आ गया है। ओ भाई रोहित शर्मा भी रिटायर हुआ है, अभी आप खुश होंगे कि अगले वर्ल्ड कप के अंदर आपको रोहित शर्मा नहीं मिलेगा, तो जनाब अभिषेक शर्मा पहले ही आ गया। उसने पहले कैसी कैसी रात के छक्के मारे अभिषेक शर्मा, ये खाता क्या है यार जो 15-15 गेंदों के अंदर 50-50 बना रहा है, और आज भाई इस बंदे ने यूएई की भाई छिद्रोल कर डाली है यार। आज इमर्जिंग एशिया कप का भाई मैच था इंडिया और यूएई के दरमियान, भाई साहब ने 20 गेंदों के अंदर 50 रन कंप्लीट किए हैं, आईपीएल में 12 गेंदों के अंदर ये बंदा अपना 50 कंप्लीट करता है, भाई कौन लड़का है यार ये जो इतना भाई एशिया कप में तो भाई फेर रखी है इस बंदे ने। अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया, 20 गेंदों पे 50 मारा छक्को और चौकों की, ऐसा लगा कि बारिश हो गई, 4 छक्के 6 चौके 241 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने पारी खेली, जिसमें 23 गेंदों पे 58 रन बनाए। इंडिया की यंग टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे, ये सी या डी है, ए टीम है, कौन सी टीम है, किसी टीम को छोड़ ही नहीं रही। अभिषेक शर्मा ने जैसे बैटिंग कर दी है और जो अपना टैलेंट दिखा दिया जबरदस्त, क्यों ना दिखाए, लिस्ट ए के आप मैचेस देखें, 24-25 मैचेस हैं फोर डे के उसके, सॉरी फर्स्ट क्लास के। आप जानबूझ के भी तारीफ करना चाहे ना इंडिया की तभी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ की तारीफ ही नहीं है। ऐसी क्रिकेट को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे या तो फिर आप बहुत बड़े सोर लूजर हो। शेख शर्मा स्पेशली धागा खोल के रख दिया यार आपने, मतलब के इतना मारा आसान नहीं हो। अभिषेक शर्मा की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका टैलेंट और इनका एग्रेशन, उनकी जो सेल्फलेस बैटिंग है ना उसके मुताबिक देखें तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का फिर से जन्म हो गया क्रिकेट वर्ल्ड में। सेंचुरीज बनती रहेंगी, चौके भी बचते रहेंगे, छक्के भी बचते रहेंगे। टीम इंडिया ओवरऑल एक बड़ी स्ट्रांग टीम है, ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने टीम टिकाई है, लेकिन कहते यार ऐसे सेल्फलेस बैटर नहीं मिलेगा हमें। अभिषेक शर्मा ने तो आज साबित किया है कि ओपनर तो शर्मा जी का बेटा ही रहेगा, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे अभिषेक शर्मा हो। जिस तरह का नडर बैट्समैन है मुझे समझ नहीं आती, ओपनिंग कर रहा है छक्के से, 50 कर रहा है छक्के से। कि आज स्टार ऑफ द शो वाज अभिषेक शर्मा। ओ माय, दुनिया को दिखाना है कि भाई हम लोगों के अंदर एक जज्बा है, एक दम है, वो सीरियस होकर क्रिकेट को लेते हैं, सीरियस होकर खेलते हैं, इसी वजह से उनके प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस इतना। जिस तरह की क्रिकेट खेल के पूरी दुनिया की क्रिकेट को बदल रहा है ना यार, उसका कोई जवाब ही नहीं है। एक और 20 बॉल 50, 23-24 बॉल 58। हालांकि यूएई उतनी छोटी टीम नहीं है जैसे ओमान छोटी टीम है, यूएई अच्छी टीम है यार, यूएई उतनी माठी टीम नहीं है, बट असल बात यह है आजकल के स्टेज पे कोई माठी टीम भी नहीं है भाई। आप अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट किस तरह से रख सकते हो, आप जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो उसको कंसिस्टेंट किस तरह से रख रहे हो, वो वाला काम अभिषेक शर्मा ने किया यार। वैसे ही आईपीएल में बातें नहीं चल रही, 16 या 18 करोड़ में यह रिटेन होगा, और सुना है इसकी रिटेंशन के चक्कर में वो पैट कमिंस को रिटेन नहीं कर रहे। आप सोचो मतलब आखिर उस बंदे में कुछ बात है। इमर्जिंग एशिया कप के अंदर इंडिया ए टीम की जो है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, हर मैच के अंदर इंडियन ए टीम जो है वो नया से नया रिकॉर्ड बना रही है। पहले इंडियन टीम ने पाकिस्तान को हराया बड़े परफॉर्मेंस से, और अभी यूएई को यकतरफा मैच में हरा दिया। पहले तो कमाल किया इंडियन ए टीम के बॉलर ने और पूरी की पूरी यूएई टीम को सिर्फ 107 रन पे आउट कर दिया, जिसको चेस करते हुए इंडियन टीम ने बासानी 107 रन का टारगेट 111 रन बना दिया सिर्फ 10 ओवर के अंदर। 111 रन बनाने के लिए इंडियन टीम के नाम से मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन रोहित शर्मा के बेस्ट रिप्लेसमेंट समझाने वाले अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ये वो नाम है जो हर फॉर्मेट के अंदर इंडियन टीम में स्कोर कर रहा है, और ये यंग टैलेंट है, यही कहा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा ही प्लेस करेगा रोहित शर्मा को, क्योंकि एक नया शर्मा जाएगा, एक नया शर्मा आ जाएगा तो लिहाजा टीम में अच्छा सहारा मिल जाएगा। अभिषेक शर्मा ने 54 रन की शानदार निकली, 54 रन बनाने के लिए उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके लगाए। अभिषेक शर्मा ने इमर्जिंग कप के अंदर सिर्फ 24 बॉल्स के ऊपर 54 रन की शानदार निकली, एक फास्टेस्ट 50 है इमर्जिंग खिलाड़ी के लिए, इमर्जिंग कप के अंदर नए टैलेंट पे नए तौर पे बहुत तेज 50 जो कि खिलाड़ी को बहुत मोटिवेट करती है, ना सिर्फ खिलाड़ी को बल्कि टीम में आने वाले नए लड़कों को भी। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंडियन ए टीम के इंडिया का डोमेस्टिक सेटअप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक मरतबा कोई भी खिलाड़ी इंडिया के डोमेस्टिक सेटअप से क्रॉस हो जाता है ये मुमकिन नहीं है कि उसमें टैलेंट ना हो, चाहे सरफराज खान हो, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे अक्षर पटेल हो, अभिषेक शर्मा, कोई भी नाम हो, जो खिलाड़ी भी इंडियन टीम का डोमेस्टिक सेटअप को पास कर एक मरतबा भी टीम में जगह बना लेता है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उसमें कोई टैलेंट ना हो, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक सेटअप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर कोई भी छोटा मोटा प्लेयर क्रॉस नहीं कर सकता, जिसमें भी खराबी होगी उसको फौरन बाहर कर दिया जाएगा, और जिसमें उनको लगे कि वाकई इस बंदे में रियल टैलेंट है उसको मॉडिफाई करके उसी को आगे भेजा जाएगा, बाकी तमाम का तमाम।
कुछ क्लास है, और वो उसने बार बार आईपीएल में करके दिखाया है और इंटरनेशनल में भी। अब आप देख लो जिस तरह से कंपटीशन बने हुए, जायसवाल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकोड़ का चल जाता है, जस्टिस फायर ऋतुराज गायकोड़ और बाकी भी इतने ज़्यादा परफॉर्मर हैं यार, वहाँ पे ये लड़का स्टैंड आउट कर रहा है। जायसवाल भी अच्छा लड़का है, बड़ी क्रिकेट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो उसकी स्पेशलिटी है क्योंकि वो रणजी और बाकी बड़े क्रिकेट में अच्छा करके आया है। ये वाला फॉर्मेट इस लड़के का है और ये लड़का इसमें छा रहा है। नॉलेज करना चाहिए कि उनके पास ये टैलेंट है और ये रियल है और ये बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा जिस तरह वो कर रहे हैं। क्या मुझे बताएं, जिस तरह दूसरी टीम इनकी अनबीटेबल गई है टूर्नामेंट के फाइनल तक, लगता है कि मर्जिंग एशिया कप में भी इंडिया अनबीटेबल? हाँ जी सर, इनके खून में शामिल है ना, बता रहे हैं इनका, इन्होंने मजा ले लिया है उस ट्रॉफी को उठाने का, हमने मजा ही नहीं लिया ना, हमें इस खून का मजा ही नहीं पड़ा ना अभी तक, चस्का ही नहीं, हमने कभी ट्रॉफी उठाई नहीं है तो हमें नहीं पता इसका कितना मजा होता है। तो उनको वो मजा आ गया और वो हर ट्रॉफी उठा के ले जाते हैं। ये तो हमेशा इंडिया को ट्रॉल किया जाता था कि उनकी ना बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग नहीं, 350 कर जाते थे फिर भी आ जाते थे। लेकिन देखे बड़ी टीमें, बड़े मुल्क, बड़े क्रिकेट बोर्ड वही होते हैं, बड़ी सोच के मालिक वही लोग होते हैं जो अपनी कमजोरियों पर काबू पाते और काबू पा के उसको अपनी ताकत बनाते हैं। उन्होंने इस चीज को देखा कि यार हमारी ये जो कमजोरी है हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। उन्होंने बुमराह को लेकर, मयंक यादव को लेकर, शमी को लेकर, पता नहीं किस किस बॉलर को लेकर उन्होंने बैठा देखा कि भाई हमारे अंदर जो खामी है उसको कैसे दूर करें। अब देखिए वो अंडर 13 से चलते हैं, अंडर 13, 14, 15, 16, 17, अंडर 19। आप जब ग्रास रूट से उनको उठाते हैं, बॉलर को, बैट्समैन को, ऑलराउंडर को, तो आप उनको इतना ज्यादा पॉलिश कर देते हैं, जब आप उसको मैदान में छोड़ते हैं ना तो आप कहते हैं खुला मैदान जो शेर की तरह झपटो और खा जो सबको। आप देखिए उनकी वुमेन्स ने देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान, उन्होंने बताया। आप अंडर 19 की बात कर ले, आप मेंस नेशनल की बात करें, हर जगह हम उनसे आ रहे हैं। क्या वजह? एक मैंने बात देखी थी सोशल मीडिया पे, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम लोग पाकिस्तानी बॉलर्स को देखते थे कि यार इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं, इतने अच्छे बॉलर्स कैसे हैं, तो हम उनको देख देख के बेहतर हो गए। वो तो देख देख के बेहतर हो गया, खराब हो गए, हम उनसे खराब हो गया, हमारी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, हम उनकी बैटिंग देख देखते क्यों नहीं सीख सके। यही वजह कि जब आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जब आप सीखने की कोशिश करते हैं, जब आपके अंदर जुनून है, जज्बे अपने मुल्क के लिए करने के लिए, ये हमारे पास जो है वो खत्म हो चुके हैं, हमारे पास जल्दी ही आ चुके हैं। विकेटें गिरती गई हैं, 50-60 पे 5 आउट गिरते पड़ते करते कराते यहां तक पहुंचे हैं। रासिक सलाम, ही वाज अमेजिंग, पहली ओवर में ही पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद पे विकेट, फिर एक आधा डॉट बॉल, फिर विकेट, एक ही ओवर में 3 विकेटें उसने हासिल की, तो ही वाज टू गुड। उसने एक ओवर में 3, यार बहुत शानदार।